देश के कुछ राज्यों में फिर से संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। बंगाल के साथ ही देश के कम से कम 3 राज्यों ने पिछले सप्ताह दुर्गा पूजा दशहरा के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बंगाल, हिमाचल और असम में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15,906 केस दर्ज किए गए। इससे पहले शनिवार को 15,918 मामले सामने आए थे। हालांकि एक्टिव मामलों में लगातार गिरावट जारी है। पिछले एक दिन में कोरोना के सक्रिय मामले कम हो रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य में इस साल जुलाई के बाद से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में बंगाल में दैनिक केस की संख्या 800 से ज्यादा हो गई है। इस सप्ताह मामलों में वृद्धि होने वाले 2 अन्य राज्य असम और हिमाचल प्रदेश है। बंगाल में सप्ताह संक्रमण में स्पष्ट वृद्धि हुई है। पिछले 7 दिनों में राज्य ने 5,560 नए मामले आए। ये पिछले 7 दिनों में 4,329 की तुलना में 28.4% अधिक है। इसका मुख्य कारण है दुर्गा पूजा और दशहरा। अब बात करें रूस और चीन की रफ्तार की, तो आपको बता दें कि चीन और रूस में कोरोना वायरस ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। रूस में कोरोना महामारी कहर बनकर टूट रही है। शनिवार को आई रिपोर्ट में 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होने की खबर है, जो महामारी के दौरान एक दिन की सर्वाधिक संख्या है। अब बात करेंगे जनपद सहारनपुर की, तो आपको बता दें लगातार 4 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत चुका है। सहारनपुर पूरी तरह से कोरोना से मुक्त है, जो कि प्रशासन के साथ साथ जनता के लिए भी राहत की खबर है।